नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। ओबीसी के जाति आधारित में गिनती ना होने के कारण राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या मामला? भारत में लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र में जिसकी गिनती नहीं होती उसकी हिस्सेदारी नहीं बनती, इसलिए इस देश में ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है इस 52% है 1931 के आंकड़े के अनुसार, लेकिन आज़ाद भारत में 1947 के बाद से इनकी जाति आधारित गिनती नहीं की गई और गिनती ना होने की वजह से इनको लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात करने से पहले हमारी गिनती होनी चाहिए, तो गिनती करने की मांग कर रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज के दिन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत के 31 जिला के 563 जिला में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर सरकार, फिर आज राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोगों ने 18 अप्रैल को भारत में 131 जिला में रैली प्रदर्शन करेंगे और फिर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, और इसके बाद भी नहीं मानती है तो 25 मई को हम लोग संपूर्ण भारत बंद करने का आह्वान करेंगे। तो आपने सुना कि इनकी क्या मांगे हैं, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये 25 मार्च को भारत बंद करेंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।